तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रोफेशनली होंडा के मैकेनिक लोगों ने मेरी गाड़ी के पैनल ऐसे ख़राब कर दिया। उससे रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट डाली और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कोई बंदा है मेरे को कॉल आई थी और उन्होंने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो मैंने उनसे बोला देखो मेरे को पैनल तो रिप्लेस चाहिए क्योंकि नई गाड़ी है, और दूसरा जो ब्रेक का इशू वो बहुत मेजर इशू है क्योंकि देखो जान माल की हानि हो सकती है इससे, क्योंकि ब्रेक नहीं लगेंगे तो मैं कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा सबसे पहले तो ये पैनल चेंज कराओ और मेरा ब्रेक का इशू रिजॉल्व करिए। तो उन्होंने बोला कि हम कम्प्लीटली आपका ब्रेक रिजॉल्व करके देंगे और 17 तारीख को हम वहाँ पर विजिट कर रहे हैं आपके शोरूम में, तो वहाँ पर आइए और तब हम बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अब देखते हैं, हम प्लान वहीं जा रहे हैं, आज 17 तारीख है और अब जा रहे हैं हम शोरूम और देखते हैं क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो गाइस, मीटिंग ओवर हो चुकी है और मीटिंग की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं मीटिंग में उनसे बात कर रहा था, और मीटिंग के द्वारा उन्होंने ये बोला कि हम आपका पूरा रियर ब्रेक की असेंबली पूरी चेंज करेंगे जिसमें चार चीज़ होती है हमारी, डिस्क प्लेट, डिस्क पैड, कैलिबर एंड मास्टर सिलेंडर। तो इन चीज़ों को चेंज करने के बाद देखते हैं सॉल्यूशन मिलता है नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बनी रही है। तो गाइस कैसे हैं? मैं घर आ चुका हूँ और काफ़ी थक गया था और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उन्होंने बोला था कि हम रियर ब्रेक की असेंबली आपकी चेंज करेंगे, तो उन्होंने चेंज करी और हमने जब उसको टेस्ट करा तो ब्रेक का कोई रिस्पॉन्स था नहीं, वैसे का वैसे ही थे जैसे पहले थे। तो उस इस चीज़ को देख के वो भी चिंतित थे, मैं भी चिंतित था। उसके बाद हम दोबारा मीटिंग में बैठे और होंडा के हर अथॉरिटी के मेम्बर भी बैठा था एक, और साथ में इंजीनियर और टेक्निकल टीम भी उनकी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि हमने जो ब्रास पैड डिज़ाइन करे हैं और जो ब्रेक सिस्टम डिज़ाइन करा है वो इसलिए ऐसे करा है कि ये जल्दी डिग्रेड ना हो, मतलब बेसिकली ब्रास पैड डिग्रेड ना हो जल्दी। तो मैंने उनसे, मेरे दिमाग में एक शंका आई तो मैंने पूछा उनसे कि अगर ऐसा है तो आपकी जो प्रीवियस बाइक जो लॉन्च्ड बाइक हैं एक्स ब्लेड 160 और हॉर्नेट 160, उनमें भी सेम ब्रेक सिस्टम और सेम ब्रास पैड यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? तो इस चीज़ का जवाब उनके पास नहीं था और उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने ये बोला कि आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और हम भी इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे ये बोला कि देखो ब्रेक का जो प्रिंसिपल है मेन, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है कि जब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा प्लेट और पैड के बीच में उतना अच्छी ब्रेकिंग होगी, और कम होगा तो आपको पता है ब्रेकिंग कम होगी। तो मेरे को लगा, मैंने अपनी तरफ से जो उनको बताया कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि कैलिबर में आपके प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलिबर में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है मास्टर सिलेंडर के द्वारा कि वो इतना फ्रिक्शन बना पाए और अच्छी ब्रेकिंग दे पाए। तो इस बात को सुन के उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी बात से एग्री करा कि हाँ ये भी हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपकी सेफ्टी के लिए ब्रास पैड को हटा के
लेदर पैड इंस्टॉल कर देंगे उसमें और चेक करेंगे कि ब्रेकिंग इंप्रूव होती है या नहीं होती है। और इस चीज़ का आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं देना है, हम ये सब जो भी एक्सपेंस होंगे हम खुद करेंगे और आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। और उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी ये पैड वैड इंस्टॉल मत करना आप अपनी बाइक में, होंडा हॉर्नेट 2.0 में, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट करा नहीं है ना, वो 100% श्योर है। उन्होंने यही बोला कि हम भी कि इससे इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी, ब्रेकिंग इंप्रूव होगी या नहीं होगी, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इंस्टॉल ना करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये इंप्रूव हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम, ब्रेक का इशू, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। प्लस आपको वो जो ब्रांड का पैड होगा लेदर का और किस प्राइस का है, किस ब्रांड का है, किस क्वालिटी का है, वो सब आपको दिखाऊंगा वीडियो में प्रॉपर, और एक डिटेल वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए मैगजेरी साइन ऑफ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।